सुपेला थाना पुलिस ने 1.5 साल से फरार अपहरण के एक आरोपी को नेवई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के विरुद्ध अलग अलग थानों में कई प्रकरण लंबित थे। सुपेला पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। प्रार्थिया सविता गंधर्व निवासी मुरुम खदान फरीदनगर सुपेला ने दिनांक 21 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा सतीश गंधर्व उम्र 21 साल बिना बताए कहीं चला गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में गुमने की रिपोर्ट दर्ज कर पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गुमशुदा व्यक्ति सतीश गंधर्व को निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया जा रहा था और गुमशुदा व्यक्ति के द्वारा यह गुहार लगाई जा रही थी कि मुझे कालाहांडी उड़ीसा में बंधक बना लिया है, उसे गांजा तस्करों के चंगुल से छुड़ाया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीम गठित कर गुमशुदा को रेस्क्यू करने हेतु कालाहांडी उड़ीसा रवाना किया गया था। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित एम रामपुर थाना क्षेत्र के इलाके से गांजा तस्करी करने वाले लोगों के द्वारा बंधक बनाए गए व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी बंधक बनाया गया था। सकुशल रेस्क्यू कर वापस लाने के साथ ही साथ जिम्मेदार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना का मुख्य आरोपी परवेश खान पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलते ही फरार हो गया था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेजा के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर धरपकड़ की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण का कुख्यात आरोपी परवेश खान मरौदा आने वाला है। पुलिस को सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर सादी वर्दी में मरौदा भेजा गया। इसी दौरान आरोपी परवेश खान को आता देख सुपेला पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने दी। ये पिछले साल जनवरी 2022 की घटना है। इसमें एक पीड़ित सतीश गंधर्व करके व्यक्ति है जो था, जो जिसका अपहरण हुआ था और उसे अपहरण करके वहाँ उड़ीसा के आसपास ले जाया गया था। उड़ीसा से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो पीड़ित है वो गुहार लगा रहा था कि मुझे गांजा तस्कर लोग किडनैप किए हैं, मुझे बचाया जाए बोल के। तो उसके गुहार पर उस टाइम पे तत्कालीन जो थाना प्रभारी सुपेला के थे और उनकी टीम थी, उनके द्वारा घूर काफ़ी सेंसिटिव प्लेसेस से उस प्लेस से उसको रिकवर किया गया था, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। और रेस्क्यू करने के बाद में उसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने उस टाइम पे गिरफ्तार कर लिया था। इसमें एक आरोपी जो परवेज़ खान है, ये लगातार फरार चल रहा था, पिछले 1.5 सालों से फरार था। पुलिस ने कई जगह इसको पकड़ने के लिए दबिश दी थी लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसको पकड़ने में कल पुलिस सफल रही है और पुलिस ने इसे मरौदा के पास से नेवई क्षेत्र में, वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि आया हुआ है, वहाँ से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और मानिकाना प्रस्तुत किया है। आरोपी परवेश खान के विरुद्ध अन्य कई थानों में प्रकरण दर्ज है तथा बेमियादी वारंट भी लंबित है। इस कार्रवाई में निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, थाना प्रभारी थाना सुपेला, उप निरीक्षक लखेश गंगेश, आर जुनैद सिद्दीकी, विवेक सिंह, उपेंद्र सिंह एवं विकास तिवारी का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट।